आज टाटा नेक्सॉन से कोई भी मार्केट में कंपीट नहीं कर पा रहा है बट एक ऐसी गाड़ी इंडिया में आने वाली है वाली है है जो टाटा को देने बहुत बड़ा और मैं बात कर रहा हूँ एम जी ये की क्लाउड जो इंडिया में बहुत जल्द आने वाली है एक एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हो मोटर ऑक्टेन का फ्रॉम इंडोनेशिया बिना समय बर्बाद किए लेट स्टार्ट द वीडियो बाय द वे ये गाड़ी की प्राइस जो है लगभग 12 से 18 लाख रुपए के बीच में आएगी और ये पौने पांच किलोमीटर का रेंज देने वाली है एज एन इलेक्ट्रिक कार सो लेट स्टार्ट नाउ अब अगर आप इसका ओवरऑल एक्सटीरियर डिजाइन देखते हो तो ये एक एमपीवी की तरह दिखती है इसकी डिजाइन में फ्रंट में आपके पास कनेक्टेड लाइट्स है जो भी अपनी गाड़ी में दे रही है एंड दैट पार्ट इज रिटेन अब आप यहाँ देखोगे कि ये बैजिंग दी गई है गाड़ी की ये क्या है तो ये वूलिंग है इंडिया में ये गाड़ी एम के नाम पे आएगी अगर आप वहां देखते हो तो वो वूलिंग की ही कॉमेट है कॉमेट है

जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोफाइल कर इंसान हो चाहे आप सैलरीड हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो एग्रीकल्चरिस्ट हो बिजनेसमैन हो सभी प्रकार के लोगों के लिए यहाँ लोन ऑप्शंस होने चाहिए दूसरा इनका नेटवर्क मोस्ट सिटीज एंड मेजर डीलरशिप्स में भी होना चाहिए मोर देन दैट इनके पास एक बहुत ही बढ़िया फीचर है कॉल्ड स्टेप अप ईएमआई अब यहां पे क्या है आप कम ईएमआई से शुरू कीजिए और जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी ना आप अपने ई आउटफ्लो को बढ़ा सकते हैं तो इसी प्रकार से आप थोड़ी और महंगी गाड़ी इजीली परचेज कर सकते हैं और अगर आप एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर है तो मोस्टली आपके पास एक प्री अप्रूव लोन का ऑप्शन रहेगा फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम सो ऑल एंड ऑल so, कोटक महिंद्रा प्राइम से कार लोन लेना बहुत ही आसान एंड ईजी प्रोसेस है अब कंटिन्यू करते हैं ऑन द क्लाउड अब यहाँ पे आपको एक एक चीज करके दिखाते हैं यहाँ पे पहले शुरू करते हैं With द चार्जिंग पोर्ट अब यहाँ पे आपके पास फ्रंट में एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और ये एसी चार्जर दिया गया है दरिये मत इंडिया में लोग एसी एंड डीसी दोनों देंगे आई विल शो यू दे है चार्जिंग पोर्ट फास्ट वन ऑल्सो योर बट वो मैं आ, पीछे की तरफ दिखाऊंगा यहाँ नहीं है और इसका अगर आप टायर देखेंगे तो इट्स अ गुड बिग इन टायर साइज वी आर एक्सपेक्टिंग इंडिया में सेवनटीन या एटीन इंच ही दे यहाँ पे एटी इंच इन्होंने दिया हुआ है टायर साइज प्लस इसके डोर हैंडल जो है वो फ्लश टाइप के अब यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए इसका जो ग्लास एरिया है ना गाड़ी का बहुत बड़ा है तो शुरू यहाँ से होता है एंड ये पूरा पीछे तक बड़ा ग्लास एरिया आपको दे दिया गया बाय द वे इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी एक कैमरा उपलब्ध कराया गया है साथ में लेट्स मूव टूवर्ड्स द बैक एक बार वाइड में गाड़ी देख लो आपको क्लैरिटी मिलेगी कैसे दिखती है गाड़ी दिखती काफी सिंपलिस्टिक है कनेक्टेड टेल लैम्प दिए गए यहाँ पे ये लोग इस गाड़ी को बहुत ओवर द टॉप जाने की कोशिश नहीं कर रहे इसमें दे आर ट्राइंग टू तो कीप इट सिंपल एंड सटल वैसे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे कैमरा दिया गया, गया गाड़ी को नीचे की तरफ एंड ऊपर अगर आप आएंगे यहां स्पॉइलर पे क्या दिया गया डू यू नो वॉट इज दिस कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपको पता है और जब मैं इस गाड़ी का टेल गेट खोलता हूं ओके okay? इलेक्ट्रिक टेल गेट अगेन ये प्राइस पॉइंट में कोई भी आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं दे रहा है एंड बूट स्पेस देखिए बहुत ही बड़ी है ये काफी बड़ी है इनफैक्ट अगर आप क्रेटा सेल्टॉस वगैरह एक कैटेगरी ऊपर की गाड़ी है, जो 20, 25 की जो लाख आती है है उनसे भी बड़ी बूट स्पेस स्पेस मिलती आई मीन जस्ट लुक एट जनरली मैं ऐसे नहीं दिखाता बट आई थिंक दिस इज द दस्ट वे फॉर मी टू शो कि यहाँ बूट स्पेस गाड़ी में काफी बढ़िया दी गई है विच मेक्स इट रियली नाइस एंड कंफर्टेबल एट द बैक ज्यादा सामान ले जाने का और इसकी सीट्स भी जो है ना वो फोल्ड हो जाती है कंप्लीटली देख रहे हैं आप तो ये फ्लैट फोल्ड हो जाता है जिस वजह से आपके पास काफी सामान ले जाने की ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके नीचे भी ये देखिए हाउ डीप इज दिस पे भी आपके पास काफी अच्छी स्टोरेज दी गई है विच मीन यू हैव अ लॉर्ड ऑफ स्पेस इन द कार अब सेकेंड रो की तरफ चलते टू तो शो यू वॉट स्पेस इज ऑफर्ड ऑफर यहाँ हम बैठे पीछे की सीट पे नाइस स्पेशियस जगह देखना ही आपको नीरुम ये देखिए ऑफरिंग। इट इज़ अ लॉट ऑफ़ हेडरूम की भी बिल्कुल कमी नहीं है गाड़ी में हेडरूम भी काफी बड़ी है। बाय वे ये गाड़ी की सीट्स ना रिक्लाइन दिखा रहा हूं आपने देखा सीट का रिक्लाइन मेरा दिस इट्स वन थर्टी फाइव डिग्रीज रिक्लाइन तो अगर मैं ये पूरी सीट रिक्लाइन कर दू आप देखिए क्या रिक्लाइन है, को. So देख रहे है आप ओवरऑल और ये जो ये फिनिश दिया गया सीट्स को एम uh, जी या वोलिंग जो भी आप कह दो कहते हैं तो इससे सीट का कंफर्ट और बढ़ जाता है एंड दे वांटेड लाइक दैट सोफा सॉर्ट ऑफ फील फॉर पीपल टू इन द कार तो इस वजह से उन्होंने इस टाइप का एलिमेंट दिया गया और वाइड है गाड़ी तीन लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं आमरस भी देख लीजिए अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है सो इट्स अ नाइस स्पेशियस कंफर्टेबल कार टू बी इन तो ये गाड़ी जो नेक्सॉन एक्सवी फोर डब्लो ये सारी गाड़ियों से ज्यादा बड़ी है और अंदर जगह देखिए ना आप ऐसे कोई बैठ सकता है कोई गाड़ी में देखा है किसी को ऐसे बैठते हुए तो so ये कैटेगरी में इनफैक्ट क्रेटा में भी आप ऐसे नहीं बैठ सकते दिस इज अ वेरी स्पेशियस कार प्लस इसका जो फ्लोर है दैट्स ऑल्सो कंप्लीटली फ्लैट यहाँ पे तो इसकी वजह से आपके पास जगह अच्छी खासी है एसी वेंट का स्टाइल थोड़ा इज नॉट समथिंग आई एम अग फैन ऑफ बट या एक एसी वेंट दिया गया है नीचे एक यूएस बी चार्जिंग पोर्ट भी गाड़ी को मिल जाता है यहां पे so, features, है। यहां पे सो फीचर्स पीछे डिसेंट है इधर इंडोनेशिया में दे नॉट ऑफरिंग अ इन दिस कार बट वो लोग डेफिनेटली ऑफर कर रहे हैं इंडोनेशिया में ये जो गाड़ी यहाँ खड़ी है इसमें शायद सनरूफ इन्होंने नहीं दिया है बट वैसे सनरूफ इस गाड़ी में आता है और वो पैनारोमिक सनरोफ है तो इस वजह से कैबिन भी काफी खुला खुला डेफिनेटली फील होता है अब फ्रंट दिखाता हूँ गाड़ी का आज अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे भी बटन नहीं है आई लाइक द स्टाइलिंग इट्स क्वाइट सिंपल क्लटर फ्री डिजाइन और मोस्टली जो एलिमेंट्स दिए गए हैं गाड़ी के अंदर लेट मी जस्ट शट द डो फॉर यू ये जो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपके पास सॉफ्ट टच है और ये आपका वुडन फिनिश डिजाइन दिया गया है इट लुक्स नाइस एसी वेंट्स जो है नाइसली फ्लोइंग बीच में ए सी इवेंट्स नहीं है बट इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ ए सी इवेंट्स और एसी इवेंट्स यहाँ तक फ्लो हो जाते हैं इट्स नाइस एंड इट्स ओवरऑल डिजाइन आई लाइक द स्टाइलिंग लाइक पे भी बटन नहीं है एक भी बटन नहीं है इस गाड़ी के अंदर सारे कंट्रोल जो है ये स्क्रीन के अंदर दिए गए वेरी सून एज वी स्पीक अबाउट इट स्टेयरिंग व्हील पे आपके पास कंट्रोल्स दिए गए हैं लेफ्ट साइड पे तो यहाँ से आपके मोड चेंज होते हैं ड्राइविंग मोड ईको नॉर्मल ये सब दिख रहा है आपको चेंज हो रहा है फिर राइट right साइड पे आप अपना ऑडियो चेंज कर सकते हैं सो बेसिकली ये लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है जो लोग ने इंडोनेशिया में ऑफर किए थे लोग ने ये चेंजेस नहीं किए तो जैसे आप यहाँ बैठ के यहाँ से आपके कंट्रोल्स होते हैं जब स्टेयरिंग वो साइड होता है तो इट इज जस्ट दैट जो उन्होंने इस साइड शिफ्ट किया जो यहाँ पे कॉस्कट किया इंडिया में एम जी माइट नॉट डू दैट थिंग आपको लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स दिए गए हैं फॉर योर गियर लिवर गियर लिवर वहां पे दिया गया आपको गाड़ी के अंदर राइट right साइड पे आपका वाइपर दिया गया है एंड बीच में अगर आप देखते हो तो आपका क्लस्टर काफी छोटा है इट्स नॉट बिग सी द साइज ऑफ द क्लस्टर इट्स प्रीटी स्मॉल और ये कॉमेट से काफी हद तक इंस्पायर्ड है क्वाइट इजी टू यूज नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन दिस इसमें आपको चेंजेस आते रहेंगे छोटे मोटे कस्टमाइजेशन कर सकते हो बट नॉट मोर देन दैट अब यहाँ पे चलते हैं टुवर्ड्स द बिगेस्ट स्क्रीन जो दी गई है फिफ्टीन सा पंद्रह साढ़े पंद्रह इंच की स्क्रीन है ये ओवरऑल फ्लूडिटी अगर आप इसकी देखते हो तो अच्छी खासी है अच्छा खासा है थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा की क्वालिटी देखे काफी अच्छी लग रही है इन दिस बिग स्क्रीन अच्छा है रेजोल्यूशन भी डीसेंट इनफ है एक्चुअली दिस इज डीट ओवरऑल इट्स डी एन एम जी की कैमराज है ओके इज नॉट द बेस्ट इन द कैटेगरी तो ये है बट ओवरऑल स्क्रीन की फ्लुइडिटी बहुत बढ़िया एंड आई लाइक द यू आई का सिंपलिसिटी कम्पेयर टू जो एम जी इंडिया में ऑलरेडी दे रहा है उससे मुझे लग रहा है ज्यादा सिंपलर वर्जन है टू ऑपरेट सो आई लाइक दिस स्क्रीन क्वालिटी डिस्प्ले ऑल्सो एंड यूजिलिटी में भी ऐसे मेरा कोई कंसर्न नहीं है ए सी के भी कंट्रोल आपके यही पे ही है योर हेडलाइट कंट्रोल्स आर ऑल्सो योर मतलब आप इसे ऑन ऑफ सब यहीं से ही कर सकते हो प्लस आप अपने हेडलाइट को भी लेवल यहीं से कर सकते हो आपका ऑटो होल्ड का फीचर भी यहीं दे दिया गया आपके सारेट्रोल यही पे दिए गए कुछ कुछ के तो फिजिकल बटन देते थे गाड़ी का यहाँ नीचे आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज दी गई है यू गो टू चार्जिंग पोर्ट प्लस ये जो है आप इसे क्लोज भी कर सकते हो आई थिंक गुड टचरऑल आपने कुछ रख दिया बंद कर दिया ग्लव बॉक्स जो है डिसेंट इनफे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है

look at the seats front seats again वही सेम टाइप का cushioning दिया गया which इज नाइस nice, comfortable स्पेशियस इस वजह से आप अगर कभी लंबे सफर पे जाते हो तो आपको थकावट नहीं होनी चाहिए बट experienced नॉट एक्सपीरियंस द सीट दिस इज या वूलिंग claims at द मोमेंट अब मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ इसका कितना बड़ा है जरा यहाँ देखिए आगे कितना बड़ा है इस गाड़ी का डैशबोर्ड देख रहे हैं आप काफी आगे तक जा रहा है बिकॉज दैट शोजर काफी स्टोरेज भी यहाँ पे है आपके पास एंड nice okay, door. Door इट्स का बहुत ही कूल है look at इट काफी अच्छा टच एलिमेंट दिया टच फिट फिनिश क्वालिटी काफी बढ़िया है देर इज द स्पीकर जो uh, जिसके अराउंड आपको एक ग्रीन लाइट दिख रहा है actually the ambient लाइट ऑन द कार प्लस आशीर्वाद जरा उनको डोर हैंडल दिखा दो कौन सा डोर हैंडल है दिस इज द डोर हैंडल ऑफ अच्छी तरीके से हमने एडास का फिलहाल देखा नहीं है वी कुड एक्सपेक्ट मोर एडास फीचर्स फॉर इंडिया बट अभी क्लैरिटी नहीं है एमजी कॉमेट पे लास्ट फाइनल डिटेल्स देने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूं अगर आप गाड़ी फाइनेंस करने के लिए देख रहे हैं प्राइम बहुत सिंपल है मैं आपके लिए लिंक नीचे छोड़ रहा छोटा डिस्क्रिप्शन वहां पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिंपली एस एम एस सी लोन ऑन फाइव सिक्स डबल एट अब ये गाड़ी में आपको पचास किलो वॉट की बैटरी आती है इज गुड दैट आपको अच्छा खासा रेंज में लगा ला कैसे पौने पांच सौ का रेंज like आपको इस गाड़ी में मिल जाना चाहिए अब यहाँ पे पीछे आपका सेकेंड चार्जिंग पोर्ट दिया गया है इसमें बट ये इंडोनेशियन चार्जिंग पोर्ट है इंडिया में फ्रॉम आई अंडरस्टैंड एक ही फास्ट चार्जिंग पोर्ट ही टोटल दे दिया जाएगा दो तीन महीने में आ जाएगी अठारह फॉर इंडियन कार मार्केट ए स्पेशस है रेंज अच्छा देती है फीचर्स काफी सारे है प्रैक्टिकलिटी भी डिसेंट इनफ है इनफैक्ट आई थिंक दिस इज अलॉट मोर प्रैक्टिकल मोस्ट ऑफ दिन जो ये कैटेगरी में पड़ रही है सो आज अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए विच इज स्पेशियस फीचर इज तो एम जी क्लाउड ईवी आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकती है एम जी क्लाउड को लगभग 18 लाख रुपए के आसपास प्राइस करने वाला है आई फील इज प्राइसिंग बट उनके फेवर में एक चीज नहीं जाएगी विच इज द डिजाइन ऑफ द कार क्योंकि ये हमारे यहाँ लोगों को शायद इतनी पसंद ना आए इन मोस्ट सिटुएशन बाई टाटा मोटर्स अपनी कर्व लाने वाला है जो अगेन सिमिलर प्राइस पॉइंट में आने वाली है एज एन ईवी एज वेल और उसका लॉन्च एक्चुअली क्लाउड से पहले होने वाला है तो इट सीम्स टाटा मोटर्स इज इज ऑलरेडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद अ कार इन हैंड एंड उसकी स्टाइलिंग जनरली मोर अप्रिशिएटेड क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट्स कूपे एसयूवीज की स्टाइलिंग ज्यादा एक्सेप्टेबल है देन समथिंग लाइक दिस जो ज्यादा एक एमपीवी की तरह लग रहा है तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको एक एक्सक्लूसिव डिटेल्स दिए ऑफ द एमजी क्लाउड ईवी अगर आपको और भी है अगर आपको लग रहा है कि यार मैं गलत गाड़ी ले लूंगा सारे मार्केट में ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नए ऑप्शन आ रहे हैं, केस मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप मुझसे या मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पर जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लरिफाई कीजिए अब आपको करना क्या है चले जाइए मोटरॉकटेन डॉट कॉम स्लैश कार अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट एक्सपर्ट के साथ अब वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी और किस वजह से सो दैट्स ऑल राइट नाउ वैसे आपको पीछे दिखा दूम जी के पास और क्या गाड़ी है कॉमेट तो आप ऑलरेडी देख चुके हो उनके पास एक बिंगो करके भी गाड़ी आ रही है जो इससे थोड़ी और छोटी साइज की है बट अगेन ऑन सिमिलर लाइन पे बनाया गया है So, आपके लिए बहुत सारा और कंटेंट आने वाले इन द कमिंग डेज ये फिलहाल इंडिया में नहीं आने वाली है, सो so, मिलेंगे कल फिर से एन ऑल न्यू वीडियो अगर आपने अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया डू दैट राइड अवे बाय बाई